नमस्कार, न्यूज 111 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार की कई नदियों में जलस्तर में तेजी से कमी हो रही है और कई इलाके बाढ़ की चपेट से निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कई परिवारों ने अपने घर के सदस्य गवा दिए हैं, तो हजारों लोगों ने अपने घर बार, तो वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बदतर हो गई चली है। ऐसे में राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार उनके बैंक खातों में 6,000 रुपए की सहायता राशि तत्काल मुहैया कराने जा रही है। सरकार ने आज ही 3.5 लाख परिवार के खातों में ये पैसा जमा करेगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं ये राशि लाभुकों के खातों में DBT और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से देंगे। लगभग 3.5 लाख परिवार को इस तत्काल मदद का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी भी ये आंकड़े कम नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में बाढ़ से मरने वाले की संख्या 78 है, जबकि गैर आधिकारिक सूत्रों से ये 100 के ऊपर चला गया है। गौरतलब है कि 12 जिले के 97 प्रखंड के 921 पंचायत बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ की चपेट में लगभग 55.40 लाख की आबादी है। इनमें से 1,13,721 लोगों ने 130 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। तो वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 16 जुलाई को CM ने विधानसभा में कहा था कि बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर सरकार सजग है, सचेत और संवेदनशील भी है। प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की सहायता राशि का वितरण करेगी, लेकिन क्या ये वितरण राशि उन लोगों की जिंदगियां वापस ला पाएगी या उन परिवारों को उनके खोए हुए सदस्य ला पाएगी जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। सहायता राशि तो सरकार मुहैया करवा रही है, लेकिन मात्र 6,000 में ये परिवार कहाँ और कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? जिनके घर डूब गए, जिनके परिवार डूब गए, ऐसे में उनके लिए क्या ये सहायता राशि कोई रोशनी बनकर आती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें न्यूज 111। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।